गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर एकेडमी में। बेटा, अपनी जो लास्ट क्लास हमने बात की थी, उसमें हमने कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री के बारे में बात की थी, और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के जितने भी सवाल थे उसको हमने कंप्लीट कर लिए थे। और उसके बाद में फिर हमने चर्चा की थी इसके बारे में, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन, तो उसका हल क्या होता है, कितने प्रकार के हल होते हैं, ठीक है, वो सारी चर्चा हमने कर ली थी। अब जो यूनिट नंबर फर्स्ट में हमारे सॉल्यूशन से रिलेटेड जो टॉपिक आ रहा है वो ये आ रहा है कि प्रथम कोटि और प्रथम घात की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है उनको सॉल्व करना। ठीक है, आप लोग पढ़ चुके हैं वैसे ट्वेल्थ क्लास में कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस में ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस जिनमें सेपरेशंस वेरिएबल्स क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हो। चालू करते हैं अपन यूनिट नंबर फर्स्ट का जो पार्ट है अपना, यूनिट नंबर फर्स्ट क्या, प्रथम कोटि प्रथम कोटि व प्रथम घात के अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन एंड डिग्री वन का मतलब, ऑर्डर वन का मतलब क्या, कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का है, एक ऑर्डर का, वो क्या कहलाएगी, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिग्री भी एक मतलब उस डेरिवेटिव की पावर भी क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, ठीक है। इन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है बेटा वो क्या होता है, देखो फॉर्म, ठीक है, इस टाइप की होती है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो, जहां पर m और n क्या है बेटा, वेरिएबल्स x और y के फंक्शंस है, वेरिएबल्स x और y के फंक्शंस है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की। कैसे, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, m प्लस n डी वाई बाई डी एक्स बराबर जीरो, आई बात समझ में, डीएक्स को मैंने इसके नीचे लिख दिया यहां पर, क्लियर। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का है, एक ऑर्डर का, इसकी पावर भी कितनी है, एक। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या कहलाती है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस, आई बात समझ में। अब इनको सॉल्व करने के बिहाफ पे इन इक्वेशंस को क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। तो लिखे, चलिए हेडिंग डालो और लिखो यूनिट नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम लिखो, क्या यहां से फॉर्म लिखो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, या यहां लिख देता हूं, यहां वेयर, जहां कैपिटल एम एंड कैपिटल एन आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, जहां कैपिटल एम और कैपिटल एन चरो एक्स व वाई के फलन हैं, चरो एक्स व वाई के फलन हैं,
अब लिखो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, हेडिंग डाल लो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। उसमें लिखेंगे फर्स्ट नंबर पे ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसमें चरों का पृथक्करण किया जा सकता है, चरों का पृथक्करण किया जा सकता है, अवकल समीकरण, समीकरण इसमें चरों का पृथक्करण पृथक्करण किया जा सके। इक्वेशंस इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल, इक्वेशंस डिफरेंशियल इक्वेशंस इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल। ठीक है, इक्वेशंस इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल, ये अपना पहला टाइप आ गया। ठीक है, दूसरा अपन लिखेंगे, जब जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लिखते जाएंगे। दूसरा जैसे आएगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, तीसरा जैसे आएगा ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस विच कैन बी रिड्यूस्ड इनटू होमोजीनियस, ऐसी अवकल समीकरण जिन्हें समघात अवकल समीकरण में परिवर्तित किया जा सके, उसके बाद में रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो अपन जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे एक्सरसाइज वैसे वैसे अपन उनके नाम लिखते जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट जो एक्सरसाइज आती है हमारी, फर्स्ट बी एक्सरसाइज, उसमें हम क्या करेंगे, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिसमें वेरिएबल्स को क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है, वेरिएबल्स आर सेपरेबल। क्लियर बात? देखो फर्स्ट बी एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर एक, कहीं भी कोई मेथड नहीं लिखा हुआ आएगा, ठीक है, ऐसे लिखा आएगा सॉल्व, हल कीजिए। आपको पहचानना है, आपको ये देखना है कि ये कौन से टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है, तो वो हम प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें अपने सामने आ जाएगी। जैसे जैसे अपन प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये पता लगने लग जाएगा कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से सॉल्व होगी। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप देख रहे हैं बेटा, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले तो अपन ये देख रहे हैं। दूसरी बात, आप देख रहे हो कि ऊपर की तरफ नॉमिनेटर में, अंश में 1 प्लस y स्क्वायर, इसको मैं टोटली क्या कह सकता हूँ, y का फंक्शन, 1 प्लस x स्क्वायर, इसको मैं कह सकता हूँ विच इज इट फंक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम y, y से इंडिपेंडेंट है, y से स्वतंत्र है। तो क्या करूँ मैं, dx के साथ सेपरेट कर दूंगा 1 प्लस x स्क्वायर को और इसको dy के साथ, तो dy यहाँ, इसके साथ इसको सेपरेट करूँ, क्या लिख देंगे हम, dy अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर बराबर dx इस तरफ आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। हुए कि नहीं हुए वेरिएबल सेपरेट, वेरिएबल सेपरेट हुए, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे समाकलन करने पर, ऑन इंटीग्रेटिंग ऑन इंटीग्रेटिंग समाकलन करोगे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन dy अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, इंटीग्रेशन आई बात समझ में। और आप लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर,
और उसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? वन अपॉन डिफ्रेंशिएशन, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और उसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स, यही तो होता है। तो वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स वाई। ये क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स और प्लस कांस्टेंट। अब ये जो ऑर्बिट्री कांस्टेंट लगाते हो आप, ये बेटा आपके सॉल्यूशंस को, आपके सॉल्यूशन को सोल्व करने के बिहाफ पे आप कुछ भी लगा सकते हो। कभी जैसे जरूरत पड़ी तो लॉग के पदों में लगा दिया, कभी जरूरत पड़ी तो एक्सपोनेंशियल टर्म की लिख दिया, कभी हमें जरूरत पड़ी तो इनवर्स रियल फंक्शन के टर्म्स में लगा दिया। ठीक है, तो कैसे भी अपन इसको यूज कर सकते हैं अगर सॉल्व हो गया। वैसे तो जैसे ही डेरिवेटिव हटा और एक्स और वाई में रिलेशन आया, वो हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब आप उसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हो बेटा, आप उसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करें इसको, सॉल्व करो। क्या लिख सकता हूं मैं इसको? टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स बराबर सी। टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या होता है? टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी, यही होता है। देखो, टेन इनवर्स ऑफ वाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस वाई एक्स बराबर सी। दोनों तरफ टेन ऑपरेटर ऑपरेट करा दो। ठीक है, टेन फंक्शन से ऑपरेट कर देंगे, ये हट जाएगा वाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस वाई एक्स, और ये हो जाएगा बेटा टेन सी। टेन सी को नया कांस्टेंट दे दिया मैंने, सी डिश। अरे ऑर्बिट्री कांस्टेंट है, क्लियर? क्या आ जाएगा? वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू सी डिश वन प्लस एक्स वाई या वाई एक्स। इट इज और जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल है। इट इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या क्या है? दी गई अवकल समीकरण का व्यापक हल है। क्यों है? लास्ट क्लास में समझाया था कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, व्यापक हल क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें उसके ऑर्डर के बराबर संख्या में क्या हो, ऑर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हो, वो क्या कहलाता है? उसके जनरल सॉल्यूशन व्यापक हल कहलाता है। ठीक है, उतारें, क्या लिख देंगे? इट इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आई बात समझ में? देखो, आसान है, बस वेरिएबल्स देखने, सेपरेट किए, इंटीग्रेट कर दो, खत्म। इंटीग्रेशन आने चाहिए बस, सबसे बड़ी चीज ये है। और एक्सरसाइज में काफ़ी सवाल हैं, एग्जांपल्स भी हैं, तो साथ साथ आप एग्जांपल्स और जो क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो वो आप लोग कीजिए। ओके, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही कैलकुलस पार्ट बढ़िया होता है। जैसे फर्स्ट ईयर में भी मैं बोलता था कि कैलकुलस वाला जो पार्ट था, इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस, उसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़िया आपका पेपर होगा, बढ़िया आपका कॉन्सेप्ट होगा। और जहां आपको समझ के याद ही करना होगा वहां आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत पड़ेगी। समझते जाओ और याद करते जाओ, समझते जाओ याद करते जाओ, बस। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर सेकंड।
वन माइनस एक्स डी वाई माइनस थ्री प्लस वाई डी एक्स बराबर। सबसे पहले तो क्या करें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। देखो सॉल्यूशन, देखो वन माइनस एक्स डी वाई, इसको उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, थ्री प्लस वाई डी एक्स। आप देख रहे हो ये y से इंडिपेंडेंट है, y से स्वतंत्र है, ये पूरी टर्म x से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको dy के साथ सेपरेट कर दो और इसको dx के साथ सेपरेट कर देंगे। तो dy अपॉन थ्री प्लस वाई डी एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, और दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग समाकलन करने पर, ऑन इंटीग्रेटिंग समाकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन थ्री प्लस वाई बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, ठीक है। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, सिंपल है, सिंपल है ये तो। कैसे, y प्लस थ्री को t मान दो। अरे तरीका क्या होता है, t मान दिया ये लोग, डेरिवेटिव करोगे दोनों तरफ, y का हो गया dy, वाई थ्री का जीरो dt, इंटीग्रेशन क्या बन गया, इंटीग्रेशन dt टी अपॉन टी, और वन अपॉन टी dt का इंटीग्रेशन log t, वन अपॉन टी dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t। ऐसे ही इस वाले में वन माइनस एक्स को आपने क्या मान दिया, मान लेते हैं v मान दिया, डिफ्रेंशिएशन करोगे वन का जीरो इसका माइनस डी एक्स और ये डी वी, ठीक है। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस का डी वी अपॉन एक्स वी, क्या हो जाएगा, माइनस का लॉग वी। आगे बात समझ में, दोनों इंटीग्रेशन आसान है, ये क्या हो जाएगा लॉग वाई प्लस थ्री, क्या हो जाएगा लॉग वन माइनस एक्स का नेगेटिव, और प्लस ऑर्बिट्री कॉन्स्टेंट लगाना है, सी भी लगा सकते हो और लॉग सी भी लगा सकते हो, तो कुछ भी लगा दो, लॉग सी लगा दे, चलो ताकि सिंप्लीफाई करने में आसान रहेगा। समझ में आया बेटा इंटीग्रेशन अच्छे से, देखो आगे देखो सॉल्व करें इसको। देखो लॉग y प्लस थ्री, और आप लोगों ने स्कूल एजुकेशन में पढ़ा हुआ है log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n, क्या हो जाएगा log c अपॉन वन माइनस x, दोनों तरफ log हट जाएगा, क्या आ जाएगा y प्लस थ्री बराबर c अपॉन वन माइनस x, वन माइनस x इधर आ जाएगा, वन माइनस एक्स वाई प्लस थ्री बराबर कॉन्स्टेंट हो जाएगा बेटा। ये जनरल सॉल्यूशन क्या है, दी गई समीकरण का, समीकरण का व्यापक हल है, व्यापक है, इस जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल उतारो।
समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशंस याद होने चाहिए, लेकिन इंटीग्रेशंस करना आना चाहिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है वो आपको सारे याद है होने चाहिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। एक्स कोस स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस वाई कोस स्क्वायर एक्स डी वाई बराबर 0। ये बिल्कुल आसान से सवाल और ओके। चलो क्या करेंगे, सबसे पहले पहले एनालिसिस करते हैं इस पे, इसको राइट साइड में ले जाएं बेटा, वाई कोस स्क्वायर एक्स वाई, क्लियर? क्या करें, कोस स्क्वायर वाई वाई का फंक्शन है, डी वाई के साथ सेपरेट कर दूं। कोस स्क्वायर एक्स को इधर ले आएंगे, क्या करेंगे, कोस स्क्वायर एक्स को यहाँ नीचे आ जाएगा, तो एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, वाई अपॉन कोस स्क्वायर वाई डी वाई, ठीक है? और वन अपॉन कोस क्या होता है, सेक, वन अपॉन कोस क्या होता है, सेक, तो सेक लिख देंगे, क्या हो जाएगा, एक्स सेक स्क्वायर एक्स सॉरी एक्स डी एक्स बराबर वाई सेक स्क्वायर वाई डी वाई, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। अब जब दो फंक्शन मल्टीपल में होते हैं तब उनके इंटीग्रेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंड से समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंड से समाकलन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इंटीग्रेशन यू मल्टीप्लाई वी डी एक्स, ठीक है? तो प्रेफरेंस देते हैं दोनों फंक्शंस में से एक को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, दूसरे को सेकंड प्रेफरेंस, और कैसे, हाईलाइट वाले रूल से। हाईलाइट वाला रूल नहीं पड़ा पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, खंड से समाकलन में, आई का मतलब इनवर्सियल फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथम फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक का मतलब जैसे एक्स का पॉलिनोमियल वाई का पॉलिनोमियल ये सारे, ठीक है? के बाद में टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल, और सबसे लास्ट प्रेफरेंस होती है बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चर घातांकी फलन ई की पावर एक्स वाला, ठीक है? तो मान लेते हैं ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट पर्सन एज इट इज रहता है, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई सेकेंड का इंटीग्रेशन और कंप्लीट का इंटीग्रेशन, ये लो, और प्लस कांस्टेंट तो होता ही है, ये रूल होता है, यही होता है। यहाँ पे देखो एक्स क्या है, एलजेब्रिक है, अरे बीजीय है, और सेक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल, तो पहली प्रेफरेंस किसकी रहेगी बेटा, एक्स की, और सेकेंड प्रेफरेंस किसकी रहेगी, सेक स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर, ठीक है? करें इंटीग्रेशन, कर दो, फर्स्ट पर्सन एज इट इज, सेकंड सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एक, सेकंड का इंटीग्रेशन टेन एक्स और डी एक्स बराबर, यहां भी सेम y एज इट इज tan y माइनस वन tan y डी वाई और प्लस कॉन्स्टेंट, क्लियर? चलो भैया क्या जाएगा, x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है,
log sec x, log a sec x बराबर ये y tan y माइनस log sec y बराबर प्लस कांस्टेंट, इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आ समझ में? बढ़िया, चलो लिखो। चलो पूरा एक साथ आ गया। ये फॉर्मूला भी किसको याद नहीं हो तो लिख लेना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तीन क्वेश्चन हमने किए, उसका कंक्लूजन क्या निकला बेटा? इंटीग्रेशन आपको आने चाहिए। कंक्लूजन यह है कि इंटीग्रेशन तो आपको आने ही, ये मस्त है। और यूनिट नंबर फर्स्ट में इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करना है, ओके? तो इंटीग्रेशन आपको आने चाहिए। इसके नीचे लिख लेना, इट इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यह दी गई अवकल समीकरण का क्या है? व्यापक हल है। हाँ जी, देखो क्वेश्चन नंबर चार देखें। क्वेश्चन नंबर चार, क्या है बेटा? ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई बराबर एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, यही है। ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले तो क्या करें, डेरिवेटिव को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। हाँ, डेरिवेटिव को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू ए वाई और माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर, क्लियर? इन दोनों से देखो वाई एक्स कॉमन और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, क्या आ जाएगा? ए माइनस वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू ए वाई बराबर जीरो, ठीक है? उस तरफ ले जाएं इसको, क्या हो जाएगा? टू ए वाई रह गया इधर, तो बराबर वाई माइनस ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स। आई बात समझ में? यहां तक देखो, ये कंप्लीट एक्स से इंडिपेंडेंट टर्म है, वाई का फंक्शन है। यहां देखो दो फंक्शन मल्टीपल में, एक वाई का और एक एक्स का। तो वाई वाले को डी वाई के साथ और एक्स वाले को डी एक्स के साथ। तो देखो मैंने क्या लिख दिया, वाई माइनस ए डी वाई और ये वाई क्या आ जाएगा इसके नीचे बराबर, यहां क्या रह गया टू ए, एक्स इसके नीचे आएगा तो टू ए अपॉन एक्स और डी एक्स। चलो सही है, सेपरेट सेपरेट हो गए बिल्कुल, इंटीग्रेशन कर दो। अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इस वाले साइड का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बताओ?
डिवाइड कर देंगे ना, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। इंटीग्रेशन का एक रूल होता है बेटा, इंटीग्रेशन का एक रूल होता है कि अगर फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ है, अंश बटा हर, नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, तो अंश में जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, बहुपद लिखा हुआ है, उसकी घात नीचे वाले से कम होनी चाहिए, हर वाले पॉलिनोमियल से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। बराबर भी होगी या ज्यादा होगी तो आप भाग दोगे, पहले डिवाइड करोगे और उसके बाद क्या करोगे, वो सॉल्व करोगे। ठीक है, तो यहां पर देखो ऊपर भी एक डिग्री का फंक्शन है, नीचे भी एक डिग्री का फंक्शन है, क्या करोगे, सबसे पहले डिवाइड करोगे और डिवाइड करने के बाद फिर इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर करो, y अपॉन y 1 माइनस का a अपॉन y डी वाई, 2a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। देखो 1 का क्या हो गया, 1 का y dy के रेस्पेक्ट में y, a 1 अपॉन y dy log y बराबर 2a log x। अब कांस्टेंट है वो आप चाहे कैसे भी लिख लो, c लिख दो चाहे log c लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, log c लिख दिए, ठीक है, और उसके साथ कांस्टेंट में क्या लगा दो, a भी लगा दो चाहे, a log c, ताकि a a a कॉमन आ जाएगा सबसे। ठीक है, y ये उस तरफ ले जाए, क्या आ जाएगा, a log y प्लस 2a log x प्लस a log c, एक कॉमन आ गया बेटा, या a से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, क्या आ गया, y अपॉन a, क्या बचा, log y प्लस log c, log m प्लस log n क्या होता है, log m मल्टीप्लाई n, log m मल्टीप्लाई n क्या हो जाएगा, log y c, देखो 2 log x, n log x क्या होता है, log x की पावर n। ठीक है, log में जो आगे संख्या लिखी रहती है वो पावर में चली जाएगी, ये क्या बन जाएगा, log x स्क्वायर, आए समझ में, फिर वापस से वही फॉर्मूला, log m प्लस n वाला y c x स्क्वायर, आई बात समझ में, इस तरफ से लोग हटाओगे, इस तरफ आएगा लोग तो e की पावर में आ जाएगा। ठीक है, आप लिखते हो x बराबर log y, तो y बराबर क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x, ऐसे लिखते हैं? चलो क्या हो जाएगा, यहां से यहां बचेगा वाई सी एक्स स्क्वायर, या सी एक्स वाई सी एक्स स्क्वायर वाई बराबर e टू दी पावर y अपॉन, ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया। बताओ समझ में आई बात, बढ़िया से अच्छे से, चलो लिख लो, चलो कहने का मतलब क्या है कि आज अपन ने एक्सरसाइज स्टार्ट किए, आप लोगों को लग गया होगा कि इसमें इंटीग्रेशंस का रोल है, इंटीग्रेशंस आपको आने ही चाहिए। ठीक है, तो आज आप क्या करेंगे, आज अपन इतना ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं मोस्टली देख रहा हूं कि इंटीग्रेशंस, ठीक है, तो इंटीग्रेशंस आज पढ़ के आएंगे सभी, ठीक है, और उसके बाद फिर अपन आगे चर्चा करेंगे आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में, इसको कंप्लीट लिख लेंगे, आज के लिए इतना ही करेंगे और आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा देंगे, कल कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, फटाफट फटाफट करेंगे, छोटे छोटे से सवाल हैं और नेक्स्ट क्लास में लगभग ये क्वेश्चंस कंप्लीट। ठीक है, चलो ठीक है भैया, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।